Hello student, welcome to the 15th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry and my name is Ram Parma. Now previous lecture में lecture number 14 और 13 में हम लोगों ने stereo isomerism start किया था. stereo isomerism में हम लोगों ने conformational isomers हम लोगों ने पढ़ लिया है. conformational में मैंने आपको ethane का सिखा दिया है, propane का सिखा दिया और butane का सिखा दिया है. with graph आपको एक एक चीज मैंने detail में बताई है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोहेक्सेन का. ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक साइक्लो अल्केन में आता है और रिंग आएगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, वन हो जाएगा. तो जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो सब चीजें हमारे काम में आएगी. आज हम लोग साइक्लोहेक्सेन को हाफ कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हाफ कंप्लीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अननेसेसरली वीडियो भी ज्यादा बड़ा ना हो. ना अगर हम लोग बात करें बच्चों, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन स्टार्ट करने से पहले विल स्टार्ट विद साइक्लो अल्केन. तो यहां से अपना कंसेप्ट अच्छे से धीरे धीरे जाएगा. ठीक है, मैं बहुत ही तसल्ली से सिखाने वाला हूं, इसलिए दो वीडियो लेक्चर सिर्फ मैं साइक्लोहेक्सेन के ऊपर बनाने वाला हूं. ठीक है, तो एकदम अच्छे से एक एक चीज को दिमाग में बिठा लो. ठीक है, साइक्लो अल्केन का मतलब क्या होता है, जिसमें रिंग होगा और रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होते हैं, तीन कार्बन चाहिए होते हैं. तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में साइक्लो क्या आएगा, आप दिमाग लगाओ, ऑब्वियसली प्रोपेन आएगा, साइक्लो प्रोपेन. बराबर है, साइक्लो प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे और रिंग के फॉर्म में होगा ऐसा. ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आएगा साइक्लो ब्यूटेन. साइक्लो ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, चार कार्बन होंगे. ठीक है, इन सबका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, वन होगा. क्यों, एक रिंग आया मतलब एक डबल बॉन्ड यू. ठीक है, फिर आता है साइक्लो पेंटेन. साइक्लोपेंटेन में टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, पांच कार्बन होने चाहिए, ये पांच कार्बन हो गया. एंड लास्ट में आता है हमारे लिए सिलेबस का लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. ये तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत बार तो ये सिखाया भी नहीं जाता है. ठीक है, बट फिर भी अगर मैं आपको एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट सबके बारे में बता दूंगा तो अच्छा रहेगा. ठीक है ना, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन. तो स्टूडेंट्स अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, चार बॉन्ड बनाए इस तरीके से. इस कार्बन ने भी चार बॉन्ड बनाए, यहाँ पे हर एक जगह पे कितने कितने हाइड्रोजन होंगे, दो दो हाइड्रोजन होंगे. बराबर है, तो अभी अगर मैं बात करूं बच्चों, इन सब में एक कॉमन चीज है और वो है बेटा एंगल स्ट्रेन. सर ये क्या, ये तो पहली बार सुना हमने. एंगल स्ट्रेन क्या होता है सर, एंगल स्ट्रेन बेटा मुझे एकदम सिंपल है. अगर मेरे पास में एक कार्बन है ऐसा जिसने चार बॉन्ड बनाए, ठीक है, बहुत बार मैंने आपके सामने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये है, ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है. ठीक है ना, ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है. बराबर, ये दोनों इन द प्लेन है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है एंड दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन, ऐसा डैश. तो इसको क्या बोलते हैं, वेज. ठीक है, वेज, ये डब्ल्यू ई डी जी वाला वेज है. ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं डैश, इसको बोलते हैं नॉर्मल. तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे नॉर्मल कितने हो जाएंगे, दो, और एक क्या हो जाएगा, डैश, और एक हो जाएगा वेज. मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना. अगर हम लोग बात करें, चलो एक मॉडल लिया मैंने, इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन टेट्राहेड्रल होता है बच्चों, सबको पता है ना. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर समझो ये दोनों, अगर मैं इस कार्बन को प्लेन में रखूं तो प्लेन में बेटा मिनिमम तीन ही एटम जा सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एटम नंबर वन, ये एटम नंबर टू, एटम नंबर थ्री, तीन प्लेन में आ गए. अभी अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल लाइन से शो किया, देखो मैंने, बराबर है, ये क्या है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रहा है, मेरे हथेली से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो उसको थिक लाइन से शो करेंगे. और ये जो येल्लो वाला है वो प्लेन के पीछे जा रहा है, देखो प्लेन के पीछे जा रहा है, तो इसको हम लोग डैश से शो करते हैं. बराबर है, तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो एंगल होता है वो होता है 109 degrees 28 minutes. 15 से 20 मिनट तो सिर्फ बेसिक सिखाऊंगा बेटा, ताकि अपने दिमाग में बैठे अच्छे से. ये तो एंगल होता है, कितना होता है, 109 degrees 28 minutes. सब एंगल वैसे ही है, ये सब एंगल 109 degrees 28 minutes है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कोई भी एंगल देख लो. बराबर, तो मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे एंगल होना चाहिए 109 degrees 28 minutes होना चाहिए. तो बच्चों ये कंपाउंड में क्या 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, नॉट पॉसिबल. फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, ध्यान देना, फॉर साइक्लिक
अल्केन्स, एंगल पता करने का तरीका क्या है साइक्लिक अल्केन्स, थीटा, थीटा मतलब ये वाले एंगल, इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, ठीक है। थीटा का फॉर्मूला बच्चों एन माइनस वन इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय एन, वेर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहला ले लू कौन सा, साइक्लोप्रोपेन, आराम से, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन ले लू, साइक्लोप्रोपेन मतलब ये वाला, बराबर है। अभी आप बताओ बच्चों इसमें एंगल कितना, एन का वैल्यू कितना, पहली बात तो बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्री है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, वन टू एंड थ्री है, करेक्ट, एन का वैल्यू थ्री है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है ना, थ्री माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 3, 3 माइनस टू 1, 180 डिवाइड बाय 3 इज 60 डिग्रीज। तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना हो गया बच्चों 60 डिग्रीज का, अभी कहां 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, 28 मिनट जाने दो, चलो 109 डिग्रीज, यहां पे 60 डिग्रीज है, तो डू यू थिंक बेटा ये वाला जो एंगल है बहुत कम हो गया। अभी मुझे बताओ, मैं अगर आपके सामने समझो बैठा हुआ, हम लोग ऐसे बात करें, चलो अपन फ्रेंड्स बन के, ठीक है ना, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, आपने मेरे को पार्टी दिया, तो अगर समझो आप लोग किसी बेटा सीजीडी में गए, या फिर समझो खाना खाने गए किधर सब लोग, तो आप लोग वहां पे बैठने के टाइम हम लोग आराम से बैठेंगे ना, ऐसे आराम से रिलैक्स होके, बराबर है। तो मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है ना। अगर समझो मेरा कोई स्टूडेंट एक्स, ठीक है ना, और वाई अगर मेरे हाथ को ऐसे खींचे, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मेरे को सीने में दर्द हो रहा है, क्या कर रहे तुम लोग, मेरे को मारने के लिए लाएगा यहाँ पे, तो मुझे एक बात बता, ऐसे खींचूंगा, ठीक है, अगर कोई ऐसे खींचेगा तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही पेन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। तो आप बताओ 109 डिग्री होना चाहिए था और है कितना 60 डिग्री, तो कहना चाहिए बेटा यहाँ पे बहुत ट्रेमेंडस क्या है, एंगल स्ट्रेन है, और एंगल स्ट्रेन होगा तो ये लेस स्टेबल होगा कि मोर स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। जरा देखना है अगर आपको, तो देख सकते हो, ये देखो दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन, देख लो इधर भी दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। अभी ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का है। तो आपको लग रहा है देखो ये बॉन्ड कितना टेढ़ा हो गया, देखो ऐसा एकदम कर्व जैसा हो गया, कर्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्ट्रेन है, इनके बीच में क्या है, स्ट्रेन है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट से बहुत ही कम है। तो कहना है बेटा यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा है कि कम है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, ठीक है। नंबर टू, अगर मैं बात करूं साइक्लोपेंटेन के बारे में, साइक्लोपेंटेन की अगर मैं बात, सॉरी ब्यूटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, तो साइक्लोब्यूटेन की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चार है, तो एन का वैल्यू कितना, चार, थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस टू 180 डिवाइड बाय 4, ना टेल मी, 4 माइनस टू 2, 2 वन जा 2 टू जा, तो आंसर आएगा कितना 90 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90, तो 109 डिग्री होना चाहिए, 90 है, तो डेफिनेटली बेटा ये भी क्या है, बहुत ही कम एंगल हुआ, तो ये भी क्या हुआ, लेस स्टेबल की मोर स्टेबल, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेटा डिविएशन एंगल में बहुत ज्यादा है। ये देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, ये देखो ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है ना, ये एंगल कितना है 90 है, बट पहले के मुकाबले तो स्ट्रेन क्या हुआ, अभी कम हुआ। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बताओ साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो आप क्या टिक करोगे, साइक्लोब्यूटेन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम है, ऐसा ऑप्शन में दिया रहता है बच्चों कि किसमें एंगल स्ट्रेन कम है, तो ऑप्शन आएगा साइक्लोब्यूटेन। इन दोनों की बात करो मैं सिर्फ, अगर मैं बात करूं थर्ड वाले की, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, पांच, एक सेकेंड, इसमें टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, पांच, पांच कार्बन हो जाएंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो इसमें एन का वैल्यू कितना है, फाइव है, एन का वैल्यू कितना है, फाइव है, तो थीटा अगर मैं अप्लाई करूं तो थीटा इज इक्वल टू फाइव माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा कितना, 108 डिग्रीज, कितना आएगा 108 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल होगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है, मुझे तो नंबर्स याद है आप लोग कर सकते हैं,
तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 108 डिग्री, ठीक है ना। अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 3 × 180 / 5, 5 × 5 = 3 = 5, 3 हो गया कितना बचा 3, 36, तो 36 × 3 कितना होता है 108, ठीक है ना। तो अभी आप बताओ ये एंगल जो है इससे क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है सॉरी, तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए। नंबर 4, अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन की, इसके बारे में, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन तो सबको पता है। अभी देखो, अगर आपको साइक्लोपेंटेन देखना है तो ये रहा साइक्लोपेंटेन बच्चों, ये तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अभी इसमें एक और कार्बन ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये एक और कार्बन समझो मैंने ऐड कर दिया, ये देखो ये आ गया आपका साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। साइक्लोपेंटेन जो है इसमें एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा बच्चों, तो दिस विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो अगर मैं पूछूं इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो साइक्लोपेंटेन। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन इसमें, ठीक है ना। सब कुछ मॉडल अपने पास अवेलेबल है। एन का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 6 होता है। थीटा कैसे निकालेंगे बताओ, 6 − 2 × 180 / 6, बराबर है। तो बताओ 6 × 1 = 6, 3 = तो ये 30 हो गया, 30 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्रीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको पूछूं कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा साइक्लोपेंटेन, जो कि रॉन्ग है। सर ऐसा क्यों, इसका रीजन याद रखना, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू बेयर, बेयर करके एक साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल अमंग, ध्यान से सुनो नहीं तो तारे जमी होगा, अमंग दी साइक्लो अल्केन्स एज इट डिविएट। व्हाट यू मीन बाय डिविएट, डिविएट मतलब क्या, नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा चेंज होना, 109 होना चाहिए, 108 है, इट डिविएट ओनली लिटिल फ्रॉम नॉर्मल, वरना फ्रॉम नॉर्मल, बराबर है। एज ए डिविएट अ लिटिल फ्रॉम नॉर्मल, 109 होना चाहिए था, 108 है, बराबर है। बट इट इज रॉन्ग बिकॉज ही अज्यूम्ड साइक्लोपेंटेन एज अ प्लेनार स्ट्रक्चर, एज अ प्लेनर। अभी ये क्या है, ये क्या बाउंसर है सर, लेट मी टेल यू वन थिंग। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद कर ले, ठीक है, ठीक है। ये नोट है नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। अमंग दी साइक्लो अल्केन्स, ठीक है, अमंग द साइक्लो अल्केन अप टू 7 कार्बन, अप टू कितने कार्बन, 7, 7 तक तो जाने की जरूरत नहीं, बट मैं 7 लिख देता हूँ। अप टू 7 कार्बन साइक्लो हेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सुनो पहले कुछ दिमाग में फिट करो, मैं हर एक का रीजन बताऊंगा, सर ये कैसा हो गया, वो सब का आंसर बताऊंगा, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू मी केयरफुली, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इवन साइक्लोहेप्टेन भी रहता। तो बच्चों याद रखना स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन की होती है, ना कि साइक्लोपेंटेन की। सर लेकिन ये तो डिविएट बहुत ही कम हो रहा है, तो 120 तक जा रहा है, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। बेयर करके एक साइंटिस्ट था, एकदम ध्यान से सुनो, बेयर करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बोला कि साइक्लोपेंटेन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका जो एंगल का डिविएशन है वो बहुत ही कम है, 109 डिग्री होना चाहिए और वो 108 डिग्री शो कर रहे हैं, बराबर है। बट बेयर गलत साबित हुए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या अज्यूम किया था कि जितने भी साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो सब प्लेनार होते हैं। सर ये वाला समझाओ जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना। 3 पॉइंट है, ठीक है ना, तो 3 पॉइंट है, एक ही प्लेन में आएंगे कि नहीं आएंगे, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तो एक ही प्लेन में आएंगे। तो साइक्लोप्रोपेन तो प्लेनार है, प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में आना है सर पूरा, ठीक
ठीक है ना। तो ये प्लेनार है, क्यों, एक दो तीन, तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइक्लो ब्यूटेन की, ये सब रिसर्च के बाद पता चला, हमको कोई सपना नहीं आया था, रिसर्च के बाद पता चला कि साइक्लो ब्यूटेन जो है उसमें कितने पॉइंट्स है, एक दो तीन चार, है ना। तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स में ला सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है। और ये मॉलिक्यूल क्या करता है पता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो सकता है, ऐसे। तो मुझे था बेटा अभी क्या हुआ, ये तीन तो प्लेन में आ गए और ये प्लेन के क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। सुनो ना, देखो ऐसे बटरफ्लाई देखा है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे ऐसे ऐसे करते, राइट। तो वैसे ही बेटा साइक्लोब्यूटेन जो है, साइक्लोब्यूटेन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये दोनों एटम इधर और ये जो दोनों को जिसको मैंने होल्ड करके रखा है, वो ऐसे होते रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें बाद में पता चला कि रियल में ये प्लेनार है ही नहीं ना। अभी अगर समझो ये ऊपर जा रहा है तो प्लेन कैसे हुआ, ये तो वी शेप में आएगा, नीचे जाएगा तो उल्टा वी दिखेगा। तो इसका मतलब ये प्लेनार हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अगर प्लेनार ही नहीं है तो ये एंगल्स का कंसेप्ट ही गलत है। सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से, अगर ये प्लेनार है ही नहीं तो ये एंगल का कंसेप्ट ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से बेटा बेयर का कंसेप्ट फेल हो गया, क्यों, क्योंकि जब 5 कार्बन वाले को देखा गया, ध्यान से देखना बहुत अच्छा है, 5 कार्बन वाले को देखा गया तो बेयर ने क्या सोचा कि ये प्लेनार होगा, बराबर है। प्लेनार मतलब पांचों के पांचों पॉइंट एक ही प्लेन में, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये वाला जो है वो बाहर आ सकता है। ये देखो, तो आप लोग एक ध्यान से देखो, ये चारों एक ही प्लेन में, कौन सा, एक दो तीन चार, और ये आपकी तरफ आ रहा है। आपने एनवलप देखा, एनवलप बराबर ना, एनवलप कैसा होता है, इधर ऐसा फोल्ड होता है ना, एनवलप कैसा होता है सर, एनवलप भी नहीं देखा, किधर गांव से आए हो क्या मालूम सर, देखा है मैं तुम लोग को चिढ़ा तो ऐसा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो ऐसा, ये देखो, ये जो है आपने थिक क्यों शो किया, बिकॉज ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ये 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एक दो तीन चार, ये चारों एक ही प्लेन में, और ये वाला जो है देखो बाहर आ रहा है, तो इसको एनवलप स्ट्रक्चर बोलेंगे। अभी एनवलप होने के बाद आप बताओ, एनवलप होने के बाद क्या आपको लगता है ये प्लेनार हुआ, नहीं, क्योंकि चार ही एटम प्लेन में, पांचवा तो प्लेन में है ही नहीं। तो बेयर का कंसेप्ट क्या हो गया, गलत। और ये कंसेप्ट सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हैं, जब स्ट्रक्चर क्या हो, प्लेनार हो। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है पता है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन में ये स्ट्रक्चर जो है हमको लगता है ऐसे है, बराबर, ऐसा स्ट्रेट है, बट ऐसा होता ही नहीं है। वो कैसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, अरे सर ये तो बोट हो गया, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ा वर्ड यूज किया था बोट, ये बोट बन गया। फिर अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये देखो ऐसे है, ऐसे है, फिर देखो ये वाला ऐसे है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो ऐसे है, फिर ये वाला पार्ट ऐसे है, और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहना इसे बेटा ये वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ऐसे सर ये तो मैसेंजर है, नहीं ये केमिस्ट्री का मैसेंजर है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, चेयर फॉर्म, कौन से फॉर्म में, चेयर फॉर्म, ले जाओ इसके ऊपर ऐसा, तो इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं। तो मुझे तक क्या ये प्लेनार स्ट्रक्चर हुआ, नहीं हुआ ना, प्लेनार ही नहीं है, तो फिर ये बेयर का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो आपको एक आरपी ट्रिक देता हूं, याद रखना, सबसे बेस्ट है स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है, किधर गया चौक, ये रहा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, याद रखना एकदम सिंपल, स्टेबिलिटी ऑर्डर आगे भी अपने को लेक्चर्स में काम आएगा, 657, 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल, फिर आता है 5 मेंबर रिंग, और फिर आता है 7 मेंबर रिंग। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 6, 5 एंड 7, 6, 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे तो 4 आएगा, और फिर आएगा कौन सा, 3 आएगा। 4 और 3 में तो कंफ्यूजन था ही नहीं ना बच्चों, 4 और 3। तो अगर आपको याद रखना तो मेरे हिसाब से सिर्फ इतना याद रखो, 657 और आगे 4 एंड 3 याद रख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारे पास साइक्लो हेक्सेन स्टार्ट नहीं कर दिया डायरेक्ट मैंने, मैंने आपको क्या क्या सिखाया, साइक्लो अल्केन सिखाया पहले, और साइक्लो अल्केन्स में एंगल कैसे निकाला जाता है, किसमें कितना है डिफरेंस, वो सब अपने को पता होना चाहिए। तो इसका तो ये तो प्लेनार स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि 3 ही पॉइंट है, इसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो सकता है। साइक्लोब्यूटेन में कौन सा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन में एनवलप स्ट्रक्चर और प्लेनार स्ट्रक्चर, और साइक्लोहेक्सेन में तो पूरा मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, पहले इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इसी को कंटिन्यू करते हैं, बेयर्स के कंसेप्ट को। और बहुत बार आपको एंट्रेंस एग्जाम में एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए बोला जाता है, कितना, एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए बोला जाता है। तो अभी ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान देना, एंगल स्ट्रेन जो होता है इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
according to Bayer's theory, it is 109 degrees 28 minutes minus theta divided by 2, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेन के बारे में, ठीक है बच्चों, तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना होता है, ठीक है ना। अगर आपका एंगल्स एंड मेजरमेंट वाला पार्ट हो चुका है तो आपको ये और अच्छे से समझेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 60 डिग्रीज है, जबकि एंगल होना कितना चाहिए था, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होना चाहिए था, बराबर है ना। तो इसका अगर मुझे एंगल स्ट्रेन निकालना है तो इसका एंगल स्ट्रेन कैसे निकाला जाएगा, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स माइनस कितना हो जाएगा ये 60 डिग्रीज डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट इज 24 डिग्रीज 44 मिनट्स, 24 डिग्रीज 44 मिनट्स। तो एंगल स्ट्रेन इसमें हो जाएगा 24 डिग्रीज 44 मिनट्स का, ठीक है। खाली इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपको डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। दूसरा साइक्लोब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, तो साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में एंगल 90 डिग्री का होता है, बराबर ना बच्चों। ये एंगल कितना 90 डिग्री का, जबकि होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था। तो अगर मैं इसमें एंगल स्ट्रेन निकालने जाऊं, एंगल स्ट्रेन बराबर है, तो एंगल स्ट्रेन आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, बराबर है। तो इसको जब डिवाइड किया जाता है तो इसका आंसर आता है 9 डिग्रीज 44 मिनट्स। तो इसमें एंगल स्ट्रेन कितना रहेगा, 9 डिग्रीज 44 मिनट्स। तो किसी ने अगर पूछ लिया कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा किसका है, तो डेफिनेटली किसका ज्यादा है, ये वाला। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतना कम स्टेबिलिटी बच्चों, ठीक है ना। ऑब्वियसली अभी मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हूँ, और अगर एंगल स्ट्रेन अभी बहुत, अरे सर एंगल बहुत कम हो रहा है तो क्या होगा, मुझे सीने में दर्द हो जाएगा, तो इस वजह से वो कम स्टेबल हो जाएगा। साइक्लो अगर मैं पेंटेन की बात करूँ तो, ठीक है ना, देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा अगर आपका एंगल एंड मेजर और मैथ्स में हो चुका है, मुझे इतना क्लियर होता नहीं, इस वजह से मैं मैथ्स थोड़ा मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, समझ गए होंगे तुम लोग अभी, ठीक है। एंगल स्ट्रेन जब अपन फिजिकल पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा, वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। बट ये वाला पार्ट अभी हम लोग लिख रहे हैं, एंगल स्ट्रेन इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 108 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो डेफिनेटली तो बहुत ही कम हो जाएगा, 0 डिग्रीज 44 मिनट्स, ठीक है ना। तो 0 डिग्री 44 मिनट्स, तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन इसमें ही है। लास्ट वाला अगर मैं बात करूँ, इसमें भी कैसा था, ये एंगल 108 डिग्रीज था, तो 108 डिग्रीज था तो यहाँ पे थोड़ा सा ही एंगल स्ट्रेन है, 109 डिग्रीज होना चाहिए था। तो अगर मैं बात करूँ साइक्लोहेक्सेन के बारे में बच्चों, तो साइक्लोहेक्सेन में कैसे करेंगे, साइक्लोहेक्सेन में ऐसा हो जाएगा, बराबर, साइक्लोहेक्सेन तो ये कितना है 120, ये तो ज्यादा है, तो फिर ये तो कम होना चाहिए। तो इसमें एंगल स्ट्रेन इज इनसाइड द रिंग, अभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल स्ट्रेन इज इनसाइड द रिंग, इसका आंसर आएगा -5 डिग्रीज 16 मिनट्स। तो एंगल स्ट्रेन अगर इसका मैं निकालने जाऊं तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स माइनस 120 डिवाइड बाय 2, तो -5 डिग्रीज 16 मिनट्स। सो -5 डिग्रीज 16 मिनट्स, तो यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन रिंग के क्या था, बाहर था, और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन रिंग के क्या है, अंदर है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, एक सेकेंड, इंडिकेट्स दैट द एंगल स्ट्रेन इज इनसाइड द, ठीक है ना, बराबर है। सो एक्चुअल में अगर देखने जाए तो इसमें अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन शुड बी मोस्ट स्टेबल, बट ही वॉज रॉन्ग, वापस लिख रहा हूं, एज He assumed, क्या assume किया था उसने, cycloalkanes are planar
आर प्लेनर। तो ये उसका जो अजम्पशन था वो गलत था कि सही था? गलत था, बिकॉज साइक्लोप्रोपेन की बात छोड़े तो साइक्लोब्यूटेन है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, पेंटेन है, एनोलफ स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर आपका चेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है बच्चों याद रखना, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंस में एज इट इज डायरेक्टली पूछा जाता है। इसका फोटो लो, फिर मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बता दूं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, साइक्लोप्रोपेन। तो स्टूडेंट साइक्लोप्रोपेन में तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो एक रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसमें तीन ही पॉइंट है, तो इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ये तीन ही पॉइंट है, बराबर है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं साइक्लोब्यूटेन, हमारे लिए बच्चों साइक्लोहेक्सेन ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं सबके एक एक स्ट्रक्चर तो बता ही देता हूँ। साइक्लोब्यूटेन जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बट अभी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि सब नॉर्मल बॉन्ड है, याद रखना बच्चों, ऐसे बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड लिख लो यहाँ पे, इस वाले बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड, ठीक है ना, इट इज इन द प्लेन, इन प्लेन बोल सकते हैं, इन द प्लेन मत बोलो, इन प्लेन, ठीक है ना। अगर हमारे पास में थिक लाइन है ऐसे, ठीक है, सो दिस इज वेज, वेज बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। और अगर हमारे पास में ऐसे डैश वाला है ऐसे, तो इसको डैश बोलेंगे, एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन, दिस इज इनसाइड द प्लेन, ये याद रखना बच्चों। तो अभी ये सब नॉर्मल है, ये भी सब नॉर्मल है, तो दिस इज इन द प्लेन, इन द प्लेन। बट इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये देखो ये दो पॉइंट्स है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर था वो कैसे था? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था ना। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मतलब कैसे बच्चों, वापस बताता हूँ, मुझे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडल से सिखाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये ऐसा था, अभी तो प्लेन में था सब एक ही, बट अगर ये देखो तो ये देखो ऐसे बाहर आ सकता है। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, वापस देखो, एक दो तीन चार, ये दोनों तो प्लेन में रहेंगे, ये वाला ऐसे हो रहा है बटरफ्लाई, तो इसका मतलब चार बॉन्ड किधर, एक दो तीन चार, दे आर कमिंग आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन मतलब वेज वाला स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से आराम से देख लो, घाई मत करना, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो दिस इज प्लेनर और नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर हम लोग बात करें नंबर थर्ड की, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन सॉरी साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आप इसको डैश से भी दिखा सकते हो, अगर पीछे जाएगा, आगे आया ऐसे आया ना, आगे पीछे भी जाएगा, तो डैश से भी दिखा सकते हो। ये प्लेनर हुआ, बट अभी मैं क्या करूंगा, इसमें एक दो तीन और ये चार, चारों एक ही प्लेन में, बराबर, बट ये वाला जो है इट मे कम आउट लाइक एनवलप शेप में, तो यहां पे जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, सो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एनवलप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये साइक्लोपेंटेन का हुआ। तो साइक्लोहेक्सेन का भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट साइक्लोहेक्सेन को मैंने आपको बोला मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा साइक्लोहेक्सेन ही सिखाऊंगा, तो इनका तो सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर याद रखो, बाकी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो साइक्लोहेक्सेन ही है स्टूडेंट। तो आज लेक्चर हम लोग 15 यहीं पे एंड कर रहे हैं, छोटा सा लेक्चर, लास्ट टाइम कैसा हुआ था वो कनेक्टिविटी में था ना, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया था, बट अभी आज के लेक्चर को हम लोगों ने थोड़ा छोटा ही रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा साइक्लोअल्केन्स, उसमें कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। उसके बाद में बेयर स्ट्रेन थ्योरी से एंगल स्ट्रेन निकालना सिखा दिया, एंगल स्ट्रेन के हिसाब से साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट वो कंसेप्ट गलत है, क्यों? क्योंकि बेयर ने क्या अज्यूम किया था, सब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, जो कि होता नहीं है। तो अगर मैं आपको सिंपल दो सवाल के ऊपर लेक्चर एंड कर रहा हूँ,
सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन कौन है? अप टू 7 कार्बन इट इज साइक्लोहेक्सेन, बराबर है? रियल में बराबर, अकॉर्डिंग टू वेयर क्या होना चाहिए था? साइक्लोपेंटेन होना चाहिए था। एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। तो साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन इज इनसाइड द रिंग और आउटसाइड द रिंग, इट इज इनसाइड द रिंग साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, एंड साइक्लोपेंटेन में इट इज आउटसाइड द रिंग। सो स्टूडेंट्स, साइक्लोहेक्सेन में जो आंसर आया था वो नेगेटिव आया था बिकॉज उसका जो एंगल स्ट्रेन था इट इज इनसाइड द रिंग। So we will end the lecture over here. Next lecture, that is lecture number 16, we will start with cyclohexane in very much detail. आज मैंने basic समझा दिया, concept एक एक करके बता दिया। Next lecture में हम लोग cyclohexane अच्छे से पढ़ेंगे। Till then, thank you and take care, students.